वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ट्यून अप किया हेल्थ टीवी को, मैं उनको बताता चलूँ कि आज क्लिनिक ऑनलाइन में हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिर अली सैयद साहब, कॉलर्स ताहिरा साहिबा, डॉक्टर अंसारी और हिबा साहिबा की कॉल भी थी। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो माइग्रेन का दर्द है दूसरे सर के दर्द के में, और इसमें कोई और ख़ास कोई डिफरेंस है या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है? बिल्कुल, माइग्रेन के अंदर कुछ एक छोटी परसेंटेज के अंदर जिसको क्लासिकल माइग्रेन होती है, कुछ एक ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। ऑरा का मतलब है कि सर के दर्द से पहले कुछ और होता है, और वो आमतौर पे या चमकती रोशनी, कुछ लोगों को रेनबो जैसी नज़र आती है, कुछ लोगों को अंधेरे स्पॉट्स नज़र आते हैं, कुछ लोगों का विजन कट जाता है, और ये आमतौर पर 5, 10, 15, 20 मिनट रहता है, और उसके बाद फिर सर में दर्द शुरू होता है। तो इसको विजुअल ऑरा, यानी पहले से पता होने लगता है कि सर का दर्द होने वाला है, और वो विजुअल बिनाई के अलामत होती हैं जिस जो 15-20 मिनट रहती हैं, और फिर सर का दर्द शुरू होता है। अच्छा, 15-20 मिनट तक होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए क्या वजूहात हैं, पहली बात तो रीजंस पे आइए और फिर ट्रिगर्स पे मैं आऊँगा, कि वजूहात क्या हैं कि किसी लड़की को या किसी इंसान को माइग्रेन होता है? ज़्यादातर लोग जिनको माइग्रेन होता है उनके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आपकी जो जीन्स हैं उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे आपको टेंडेंसी है, एक तरह की दिमाग की सेंसिटिविटी है टू पेन, और वो फिर माइग्रेन बन के सामने नमूदार होती है। सो 80% तक लोगों को जेनेटिक इशूज़, जैसे हिबा की साहिबा की साहबजादी को है, हो सकता है उनकी दादी नानी उधर भी कहीं हो, तो ये जेनेटिक होता है, और कुछ लोगों के अंदर कोई ख़ास वजह सामने नहीं आती, मगर जब ये होता है उनके अंदर ये टेंडेंसी पैदाइश से होती है, मगर होता है आमतौर पे प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद ही, बचपन में नहीं पता चल पाता। बहुत कम लोगों को बचपन में भी, 6 साल की उम्र पे भी, 3 साल की उम्र पे भी माइग्रेन की अलामत होती हैं, वो थोड़ी फ़र्क होती हैं। बच्चों के अंदर माइग्रेन अक्सर मोशन सिकनेस के तौर पर जाहिर होती है, या साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन एक होती है कि उनको सर में नहीं पेट में बार बार दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि कुछ लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, और कुछ लोगों कहते हैं कोई आंतों में प्रॉब्लम है। मगर तो माइग्रेन की बीमारी बच्चों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से जाहिर होती है, जिसको साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन कहते हैं। इट्स कॉमन बच्चों में? नहीं, इट्स नॉट कॉमन, इट्स ये बहुत कम देखी जाती है, लेकिन जो अमूमन होता है वो प्यूबर्टी में, बलोगत के बाद। हाँ, अच्छा, मिसेस शुएब हैं लाहौर से, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शुएब। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, जनाब शुक्र है। डॉक्टर साहब, मुझे, मैं खुद एक माइग्रेन की पेशेंट हूँ पिछले मेरा ख्याल से 10-12 साल से, और इसके बारे में जाहिर है जब पेशेंट होते हैं तो रिसर्च भी कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से कुछ हल मिल जाए। तो मुझे पिछले 3-4 साल पहले जब मैं सर्च कर रही थी, तो मुझे एकदम से प्रेशर पॉइंट थेरेपी के बारे में पता चला था। ओके, तो वो मैं अपने खुद तो नहीं कर पाती थी, मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया, माशाल्लाह बड़े हैं, कि वो हल्के हल्के मसाज गर्दन के बैक पे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उससे मैंने देखा कि मुझे बहुत 80% जो था रिलीफ मिल जाता था। अच्छा, और बहुत ही इंस्टेंट, विद इन अ मिनट और टू। अरे वाह, अगर इतना बकायदा ऐसे लगता है जैसे वो एकदम से फ्लूइड्स रिलीज नहीं होते दिमाग से, उस तरह की फीलिंग होती है, और एक पीस ऑफ माइंड, और मतलब अब तो काफी अर्सा हो गया ये प्रैक्टिस करते हुए, और मैं और लोगों को बताती भी हूँ इसके बारे में। जबरदस्त, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, इनकी उम्र, आपकी उम्र क्या है? मेरी जी 40 है, 40. और मेरा ये माइग्रेन स्टार्ट हुआ था आफ्टर माय हिस्टरेक्टमी। आफ्टर योर हिस्टरेक्टमी? अच्छा, हिस्टरेक्टमी। हाँ जी, ठीक है। ये किस उम्र पे शुरू हुआ था? 32, आई वाज 32 एट दैट। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, कुछ और तो नहीं पूछना? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने बताया। प्रेशर पॉइंट थेरेपी, इसको भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ट्रिगर्स क्या हैं? किसी भी इंसान को अगर माइग्रेन है तो वो क्या क्या वजूहात होती हैं जो कि इसको जाहिर कर सकती हैं? हाँ, अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें, माइग्रेन एक तरह की दिमाग की सेंसिटिविटी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको ट्रिगर कर सकती हैं। आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि बॉडी के अंदर होती हैं, मसलन कब्ज़ से, कब्जियत की कंडीशन में हेडेक ट्रिगर हो सकती है, जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे महावारी के टाइम पे, उससे ये ट्रिगर हो सकती है, भूख से ट्रिगर हो सकती है, थकावट से ट्रिगर हो सकती है, नींद की कमी से भी हो सकती है, नींद की ज्यादती से भी हो सकती है, दोनों तरह। और कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो कि बैरून से अंदर आते हैं, जैसे कुछ खानों की चीज़ों से ट्रिगर हो सकता है, मसलन चॉकलेट्स, ये दूध और दूध की प्रोडक्ट्स जैसे चीज़,
अचार वगैरह चाइनीज़ फूड में जिसमें अजीनोमोटो इस्तेमाल किया गया हो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मसालों से हो सकता है, चॉकलेट से होते हैं, चॉकलेट से बिल्कुल हो सकता है, खट्टे सिट्रस ड्रिंक्स, ऑरेंज जूस वगैरह इस तरह की चीज़ों से भी कुछ लोगों का ट्रिगर होता है। इसका ये मतलब नहीं लोग इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। हर इंसान जिसको माइग्रेन है उसको देखना चाहिए कि उसके क्या ट्रिगर्स हैं, क्योंकि सबके ट्रिगर्स फ़र्क होते हैं और कुछ लोगों के ट्रिगर्स होते भी नहीं हैं। और उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें जो उनकी माइग्रेन सिगरेट कोई पी रहा हो तो उसके धुएं से किसी को माइग्रेन ट्रिगर बिल्कुल बैड स्मेल सिगरेट के धुएं से हो सकती है, ट्रक के धुएं से हो सकती है, परफ्यूम कलोन अगर स्ट्रॉन्ग किसी ने पहना हो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है। ये तो बड़ा मसला हो गया। तो हाँ मगर कुछ लोगों को होती है मगर सबको नहीं होती। अच्छा ओके तो, लेकिन ये हो सकती है, हो सकती है, ये सारी किसी एक आदमी को नहीं होती सारी, मगर कुछ लोगों की इनमें से कुछ होती है। अच्छा अब ये हमारे साथ लाहौर से आज वो ज़्यादा कॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन से बात कर रही हैं? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। जी आमना खुश आमदीद। हाँ जी जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे भी ना माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट कोई 3 years हो गए हैं। जी जी। तो कल ही की बात है कि मैं बाजार गई हुई थी तो मुझे इतना स्वेर हुआ तो फिर मुझे वॉमिट्स आई वहाँ पे ना, तो अभी तक मुझे घबराहट हो रही है। जी जी। तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि नॉर्मली मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, मतलब खास तौर पे सुबह के टाइम पे ना, तो मुझे फौरन ही स्टार्ट हो जाती है। पहले तो घबराहट शुरू हो जाती है, जैसे मैं गाड़ी में बैठूँ तो मैं शीशे नीचे करने पड़ते हैं मुझे ऑक्सीजन के लिए। जी जी। तो उसके बाद से ना बस ये शुरू हो जाता है मसला ना। ठीक है, आपका सवाल क्या है? तो मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा प्रिकॉशन मेरे बताएं कि जब मैं बाहर जाऊँ ना तो तब मैं कंट्रोल आ। ठीक है, जो ताहिरा साहिबा का सवाल है वही आपका है कि प्रिकॉशंस क्या है, एहतियात क्या है। बहुत शुक्रिया। स्पेशली सुबह के टाइम पे जब मैं मतलब बाजार जाऊँ ना तब मुझे मतलब प्रॉब्लम। बाजार रोज जाती हैं क्या? नहीं बाजार तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब जब भी सुबह के टाइम पे जाऊँ ना मैं हमेशा घर से बाहर, तो ठीक है सुबह घर से बाहर आप जाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंसारी साहब का सवाल था कि अभी जब आपने क्लास सिम्टम्स बताए वो तो क्लासिकल सिम्टम्स बताए, नॉन क्लासिकल सिम्टम्स के कुछ लोगों के आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, क्या ये भी माइग्रेन होता है या नॉन क्लासिकल और क्या सिम्टम्स है? कुछ लोगों को माइग्रेन के अंदर, अब ये ज़्यादातर लोगों की बात नहीं हो रही, एक छोटी माइनॉरिटी है जिनके अंदर माइग्रेन के अंदर हेडेक नहीं होता, ज़रूरी नहीं है हेडेक हो, या हेडेक के साथ दूसरे सिम्टम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जैसे फालिज पड़ सकता है माइग्रेन के अंदर, एक बॉडी की एक साइड मफलूज हो सकती है परमानेंटली चंद घंटों के लिए, तो उसको हेमीप्लीजिक या फालिज वाली माइग्रेन कह सकते हैं। कुछ लोगों की सिर्फ आंख पैरालाइज हो जाती है और आंख हिल नहीं सकती, तो उसको ऑप्थाल्मोप्लीजिक माइग्रेन कहते हैं। कुछ लोगों को एकदम से बहुत जोर के कई घंटों तक चक्कर आते हैं और सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, उसको वेस्टिबुलर माइग्रेन कहते हैं। तो उसके अंदर भी पैटर्न, हर पेशेंट की अलामत देखनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर। बट इट्स रेयर, हाँ रेयर, नॉट वेरी कॉमन। अच्छा अब हम बात करेंगे कि क्या इलाज है और क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ठीक है, कि जिससे आप माइग्रेन से अगर आपको कहीं जाना है तो पहले से आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिए।